बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं। डेली रेसिपी के साथ एन मुगल एक नई रेसिपी लेके हाजिर हुई है। मैं आज चिकन पीस को मसाला लगा रही हूँ। मैं इनको पैन में बनाऊंगी, ये फ्राई भी होंगे और साथ साथ मैं इनको पैन में ही स्टीम भी करूंगी। स्टीम फ्राई चिकन पीस की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने तकरीबन 4 पीस ले लिए हैं। ये जो है 2 अदद लेग हैं और 2 अदद चेस्ट हैं। इनको इस तरह से कट्स भी लगा लेने हैं आपने, बहुत अच्छे से लेग को भी कट्स हों और आपके जो हैं चेस्ट को भी। ये देखें, चेस्ट को भी लगा दिए हैं और इसको भी, लेग को भी। इसके लिए हमें दही ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं इनको मसाला लगाने लगी हूँ। अब मैं इनको मसाला लगा रही हूँ। सबसे पहले कोई सा भी आप टिक्का मसाला ले लें, नेशनल का हो या शान का हो। इसके साथ ही मैं घर के स्पाइसेस भी ऐड करूँगी इसके अंदर। तकरीबन एक छोटी प्याली मैं इसकी दही में की ऐड कर रही हूँ। 1 पाव से भी कम है, तकरीबन 1/2 पाव दही ऐड कर लेनी है हमने इस तरह से। तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन और अदरक को पीस लिया है, ये इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। लहसुन और अदरक हैं जी, ये स्पून है ये। दही भी ऐड कर दिया है, टिक्का मसाला भी ऐड कर दिया है, लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। अब इसमें जो मैं घर के मसाले ऐड कर रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ। 1 टेबलस्पून भर के सॉल्ट का ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और तकरीबन 1.5 इसमें मिक्स मसाला जो मैं अपनी डेली रेसिपी में डालती हूँ, बारीक भी और बीच वाला भी दोनों, और ऐड कर रही हूँ कुटा हुआ ये धनिया पाउडर जा रहा है इसके अंदर। अब हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, कुटा हुआ जीरा भी ऐड कर रही हूँ, 1/2 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करने जा रही हूँ। येलो फूड कलर हम ऐड कर देंगे इसके अंदर थोड़ा सा। अब हम इन पीसों को अच्छे से मसाला इनमें मिक्स कर देंगे। मैंने हाथों से बहुत अच्छे से इनमें मसाला मिक्स कर लिया है। आप देखें, मसाला बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, इन पे बहुत अच्छे से लगा हुआ है, ड्राई ड्राई लगा हुआ है, बिल्कुल नीचे नहीं गिर रहा हमारा मसाला। बहुत ही ड्राई आपने लगाना है, कम दही में। और आप इनको 2 से 3 दिन के लिए भी रख सकती हैं, कुछ आवर्स के लिए भी रख सकती हैं। अगर आप चाहें तो इनको इस तरह से मसाला लगा के रख दें, जैसे ही आपके गेस्ट आ जाएं या आपको डिनर में बनाने पड़े तो आप इजीली इनको फ्राई कर सकती हैं, पैन में फ्राई हो सकते हैं ये। मैं इसको इंशाल्लाह 1-2 आग तक बनाती हूँ। मसाला मैंने लगा के रख रही हूँ, तो आपके साथ फिर रेसिपी शेयर करती हूँ कि किस तरह से हमने चिकन को मसाला लगा के 3 से 4 घंटे तक रख दिया था। उसके बाद मैंने पैन में इनको रख दिया है। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून आपने ऑयल का ले लेना है, पैन को वो लगा लेना है। उसके बाद मैंने 1 लेग और 1 चेस्ट पीस इसमें रख दिया है। अब मैं इनको अच्छे से ढक दूंगी, तो ये साथ साथ फ्राई भी होंगे और हमारे अच्छे से स्टीम भी हो जाएंगे, यानी सॉफ्ट भी हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से स्टीम पीस बन के रेडी हो चुके हैं। पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला था और मैं इनको ढक दिया था, फिर दूसरी साइड चेंज की है। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी देखिए, मसाला भी बहुत अच्छे से हमने जलाया नहीं है, हल्की आंच पे बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त मसाले के साथ हमारे चिकन बन के रेडी हो चुके हैं। मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, झटपट सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लुक है इनकी और बहुत ही खाने में बहुत ही यमी और स्पाइसी हैं। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।